मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी है। ग्वालियर में देर रात से बारिश होने से जिला अस्पताल भार में जल भरा हो गया। इसके अलावा मुरैना जिले में भी बारिश के चलते अस्पताल परिसर में पानी भर गया और भिंड जिले में आंधी और बारिश से दो मंजिला मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि इस घटना से कोई जनहानि नहीं पहुंची। बताया जा रहा कि ग्वालियर में पिछले 12 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव होने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं सबसे बड़ी परेशानी जिला अस्पताल मुरार में देखने को मिली, जहां पर अस्पताल कैंपस में पानी भर गया। इस हालात के कारण मरीज और उनके अटेंडरों को आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी मुरैना जिले में तेज बारिश होने की वजह से पोरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जलभराव हो गया। स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन तेज बारिश की वजह से परिसर में पानी भरने से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। वहीं भिंड जिले में भी बीती रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के चलते वार्ड क्रमांक 38 में दो मंजिला मकान धराशायी हो गया। बताया जा रहा कि भिंड के अटैर रोड बंबा की पुलिया के पास रहने वाले राजकुमार रोजा के बगल में उनका भाई अपने मकान का निर्माण कर रहा था। इसके लिए उसने तलघर बनाने के लिए 10 फुट गहरा गड्ढा राजकुमार के मकान के बगल में ही खोदा था, जिससे मकान की नींव कमजोर होने के साथ साथ गड्ढे में पानी भर गया और मकान में दरारें आने लगी। राजकुमार रोजा ने किसी भी संभावित दुर्घटना को देखते हुए मकान से बाहर निकलकर परिवार के साथ सो रहे थे, तभी अचानक सुबह उनका दो मंजिला मकान गिर गया। मकान में रखे हुए 7-8 लाख रुपए का सामान मलबे में दब गया। मकान धराशायी होने से राजकुमार रोजा को 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हो पाई। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance rooms. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.